हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी जीएसटी पेपर सॉल्विंग और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर बी को क्वेश्चन नंबर फोर बी जो पूछा गया था दैट वाज फॉर टेन मार्क्स और इसमें हमें पूछा गया था कि uh, एक सिनेरियो आपको दिया है और उसके बेसिस पे आपको ढूंढना है कि कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी कि नहीं देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा था अभिनव लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन महाराष्ट्र इट वॉन्ट्स टू ऑप्ट फॉर अ कॉम्पोजिशन स्कीम इट फर्निशेज यू विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री काइंडली एडवाइस आर दे एलिजिबल टू अफ फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इफ़ यस देन कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन टैक्स लाइबिलिटी और एस जी एस टी का रेट रहेगा कॉम्पोजिशन स्कीम में जीरो पॉइंट फाइव परसेंट और सी जी एस टी भी रहेगा जीरो पॉइंट फाइव परसेंट मतलब एक परसेंट का जीएसटी कैलकुलेशन होने वाला है अब ध्यान से सुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो भी स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं जिनका भी एग्रीगेट टर्न ओवर डेढ़ करोड़ से कम होना चाहिए नंबर वन और अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की बात करें तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए आपको याद रखना है सेवेंटी फाइव लैक्स ठीक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए सेवेंटी फाइव लैक्स और नॉर्मल स्टेट्स के लिए कितना याद रखना है डेढ़ करोड़ वन पॉइंट फाइव तो जो भी आपका एग्रीगेट टर्न होगा वो आपका डेढ़ करोड़ से अगर कम होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए सिमिलरली अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होगा तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आपको लिमिट याद रखनी है सेवेंटी फाइव लैक्स अगर 75 फाइव लैक्स से कम अगर आपका एग्रीगेट टर्न होगा देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम अदरवाइज आप कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे तो हमें करना क्या है बहुत सिंपल हमको सॉल्व करना है हमको ये देखना है कि ये कॉम्पोजिशन स्कीम में एलिजिबल है कि नहीं ठीक है ये सारे वैल्यूज आपको दिए हैं ये सारे वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे सारे वैल्यूज लिख के प्लस करके देखेंगे कि डेढ़ करोड़ से ज़्यादा होता है कि नहीं अभी डेढ़ करोड़ यहाँ पे क्यों क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो महाराष्ट्र स्टेट है महाराष्ट्र अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अगर है तो डेढ़ करोड़ की लिमिट अप्लाई होगी और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो फिर आपकी सेवेंटी फाइव लैक्स मैंने एक कंपोजिशन स्कीम का वीडियो ऑलरेडी बनाया था तो चैनल पे आपको वो मिल जाएगा और डिटेल में पढ़ने के लिए तो देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करना है काफी सिंपल तरीका है सॉल्व करने का डोंट गेट कन्फ्यूज देखो सारे पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन एक चीज़ याद रखना जो भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है आर का कंसेप्ट आता है वो हमें नहीं लिखना है इसलिए आपने देखा होगा यहाँ पर रिवर्स चार्ज नहीं लिखा है बाकी सारे वैल्यूज लिख दिए फिफ्टी लैक्स फोर लैख सेवेंटी फाइव ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी एटीन लैख सेवेंटी फाइव पूरा क्वेश्चन में से ही कॉपी किया है और क्वेश्चन में से आप देखो तो फिफ्टी लैख लिखा है ये सारा लिखा है सिर्फ इस पॉइंट में आपका क्या आया रिवर्स चार्ज आया रिवर्स चार्ज आया मतलब ये पॉइंट नहीं लिखना है बाकी सारे पॉइंट आपको लिख के जाना है एक दो तीन और चार फिर आपको करना क्या है उसका टोटल करना है देखो टोटल किया टोटल कितना आया नाइन्टी सिक्स लैक्स अब मैंने आपको अभी लिमिट बताया था लिमिट कितना है हमारा वन पॉइंट फाइव करोड़ तो अगर डेढ़ करोड़ से ये वाला वैल्यू कम होना चाहिए ज्यादा रहेगा तो फिर तो बड़ा ट्रेडर हो जाएगा कॉम्पोजिशन स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकता है तो डेढ़ करोड़ से 96 सिक्स लैक्स कम है देखो इधर लिखा है टोटल एग्रीगेट टर्न ऑफ अभिनव लिमिटेड इज 96 सिक्स लैक्स विच इज लेस देन द दे होल्ड लिमिट ऑफ कॉम्पोजिशन लेवी दैट इज 1.5 पॉइंट फाइव करोड़ अगर डेढ़ करोड़ से कम है तो वो क्या बनेगा वो एलिजिबल बनेगा कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए और अगर वो एलिजिबल बन रहा है नाइनटी सिक्स लैक्स तो आपको क्या करना है सी जी एस टी ढूंढना है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट क्वेश्चन में दिया था एस जी एस टी ढूंढना है जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ये दोनों आपने जीएसटी ढूंढ लिया और ये आपका जीएसटी का वैल्यू आ गया और आपको इसके दो मार्क्स मिल गए और बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने का दस मार्क्स मिल गया काफी सिंपल है बट ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपकी लिमिट क्लियर होनी चाहिए लिमिट मैंने ऑलरेडी बताई 1.5 पॉइंट फाइव फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 75 फाइव लैक्स फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए 75 फाइव लैक्स से कम का एग्रीगेट टर्न ओवर होना चाहिए तो ही वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकेंगे और अगर हम नॉर्मल स्टेट्स की बात करें तो डेढ़ करोड़ से कम होना चाहिए तो ही वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले पाएंगे तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर बी वी हैव सॉल्व आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें वीडियो को कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें ताकि जिन लोगों को जीएसटी कुछ भी नहीं आता है कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो लोग भी ये क्वेश्चन को देख के एग्जाम में पढ़ के जाके ये पेपर जो है वो क्लियर कर पाए थैंक यू वेरी मच बाय टेक केयर